हिंदू पंचांग के अनुसार 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महाव्रत रखा जाएगा। बता दें कि सभी व्रत त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महादेव के भक्त व्रत रखते हैं, साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, साथ ही इसी दिन भगवान शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बता दें कि महाशिवरात्रि प्रत्येक साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वही इस साल के महाशिवरात्रि के दिन दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं, जिसके कारण चार राशियों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने वाली है। तो आइए देवघर के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि कौन सी है वह राशि और क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष आचार्य जी, इस बार महाशिवरात्रि में कितने सालों के बाद शुभ संयोग बन रहा है, इससे किन राशियों के ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस वर्ष 2024 में जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है, यह 100 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शुक्रवार को श्रवणा नक्षत्र युक्त महाशिवरात्रि यानी चतुर्दशी हो रहा है। इससे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और शिव योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे योगों के चलते उस दिन चतुर्दशी की चंद्रमा बहुत कम दिखाई पड़ती है और चंद्रमा का सीधा असर जो है राशि पर जाकर के पड़ता है। शंकर भगवान के जटा में विराजमान चंद्रमा जो है वह राशि के ऊपर जाकर के पड़ता है। तो इसमें से चार राशि वाले जो हैं, जिनके भाग्य चमकने वाले हैं शिवरात्रि पर, शंकर जी की बहुत कृपा होने जा रही है। चार राशि वाले हैं मेष, मिथुन, कर्क और सिंह। ये चार राशि वालों को शंकर जी की कृपा विशेष रूप से महाशिवरात्रि को हो रही है, जिसमें कि आकस्मिक धन लाभ, व्यापार में वृद्धि, व्यवसाय बढ़ेगा, नए कार्य करने का अवसर मिलेगा, घर में मंगल कार्य होंगे और यदि पुराना वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, तो ये भी अब समाप्त होने का योग आ रहा है। और क्या है, यदि नौकरी चाहने वाले विद्यार्थी लोग परीक्षा दे रहे हैं तो उन चार राशि वालों के जो परीक्षार्थी हैं उनको शंकर जी का विशेष लाभ मिलने वाला है और विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि होगी। लेकिन करना क्या है, आपको शिवरात्रि का व्रत रखना है, शंकर भगवान की पूजा करना है, 11 बेलपत्र 3 दल वाला आप शंकर जी के ऊपर अर्पण करें, आपका विशेष कल्याण होने वाला है। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।